गुल्लू को किसे हाथों पाल रहे हो भाई? गुल्लू तो मतलब एकदम से इसको विदा करोगे तो पता चलेगा। सो गाइस, अब फिलहाल प्रिया और मैं जा रहे हैं पार्लर, और हमारे बाद आएंगी मम्मी, मीनू दीदी और सोनिका। तो सबसे पहले हम जाके रेडी होते हैं, और 3:30 बजे तक प्लान है यार, मैं एकदम टिप टॉप रेडी होकर बैंक्वेट पहुंच जाऊं, क्योंकि एंट्री वगैरह का सारा रोल मेरा है। हेलो, बस सारी चीज अच्छे से हो जाए। हेलो गाइस, ये हमारी ब्राइडल, वो बहन बहुत सुंदर लग रहा है। मम्मी को ना, मम्मी कल भी हमारी प्रिटी ब्राइड, और बहुत प्यारे, और मतलब, और ना इसका ये मुझे लहंगे का कलर भी बड़ा प्यारा लग रहा है। आपको पता नहीं है, उल्टे हाथ का खाएगी सीधे हाथ का खाएगी चाची, सीधे हाथ का। अभी बिजी है मेरा हाथ, नहीं लगाती हूँ, फ्री हो जाए फिर उसके बाद लगाना। घर जाके लगाएंगे? नहीं, नहीं अभी मम्मी नहीं लगाएगी, पता है क्यों? क्योंकि अभी 2-3 दिन तुम लोगों से काम है, काम है अभी, घर संगवाई है सबका। बेबी बहुत सुंदर लग रहा है डार्लिंग, नो डालो, हाँ यार पीनी है यार, हल्का सा ऊपर करा लो, हल्का सा, दोनों एक सब सबकी नजरे तेरे ऊपर होंगी। इंडो वेस्टर्न सैंपल किस कहाँ से आया? हाँ हम तो ना, हमारे घर का एक सैंपल है, नमूना सबको ही पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता उनको पता चल जाएगा कि हमारे घर का सैंपल है। अभी तक एंजल को नहीं पता था, अब एंजल को भी पता लग गया होगा। यार जल्दी जल्दी कर लो, सैंपल है उसकी बोली चाहिए। ये नहीं चाहिए, ये मेरी दे दो बहन, मैं तेरे को पिलाऊंगी, तू बैठ। हाँ रहने दे, ये वाली दे दूँ? नहीं। अरे एंजल नेल में अपना मेकअप कराया, वो यहाँ से कराया है, और सगाई का मेकअप भी यहीं से हुआ था। तो ये रही कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जाओ और आप लोग बुक कर सकते हो। बहुत मुश्किल से चढ़े हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से चढ़े हैं यार, बैंड बज गई, बहुत बड़ी गाड़ी है ना, मतलब फॉर्चुनर ऊंची वाली है। स्वीट मॉम हो चुकी है रेडी, एंड दीक्षा भी हो चुकी है रेडी, और रिशु भाई भी रेडी है एकदम। भाई आ गया, हमें भाई ने हमें छोड़ा भी और लिया भी, और भाई ने हमें फॉर्चुनर में बिठा भी दिया। और ये देखो मेरा, ये क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं मम्मी, घेर, घेर ने मेरी जान ले ली बैठने में। बारात हमारे जस्ट पीछे है और हम लेट हो गए। हेलो जीजू से मिलो, आशु से मिलो, हाय आशु। अरे नीपा नीचे गया, थैंक यू। बस चुकी है, बुआ पहुंच चुकी है, मम्मी एरी, और बैक टू बैक तैयारियां चल रही हैं, बैक टू बैक, पता नहीं व्लॉग कितना शूट हो पाएगा और कितना नहीं। Oh!
छोटे वाला नहीं बड़े वाला। ओके अभी कोई जल्दी नहीं है। यस पहले रास्ता बोलो। पहले काम फिर इनाम। ऐसे दो ही खांसी लो। पहले चीज पहले काम फिर इनाम। नहीं 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 पहले नहीं चेक होगा। पहले चेक होगा। पहले चेक होगा। पहले काम चेक होगा। हमने तो दे दिया था। एक सेकेंड आप इनके साथ चलो। सर देखना आईज ओपन रखना प्लीज। ये काट दे पक्का। हाँ डन देख लो। ये ऐसे हाथ लगाना सिर्फ एक बार इधर आ गई जल्दी। टाइम मिल गया देखो आने का खाने के। मैं बनी हूँ फ्रेंड्स। दोनों मौसियाँ चख रही हैं। चखती हुई बड़ी मौसी है। इसके लिए प्रूफ की जरूरत नहीं है। हाँ मौसी सही बात है। हमारी बेटी है कन्यादान है। बाकी बैग बना रखा होगा ना उसमें रख के दो। मम्मी अब आरता होगा ना उसके बाद। अभी ओढ़ना है क्या? हाँ आरता पीलिया भी ओढ़ना है जो कि करेंगे।
Thank you.
गाइस बड़ी मौसी जूते के ऊपर बैठी है। अब नेक भी मुझे मिलना चाहिए। मौसी आप ले लेना, नेक कोई टेंशन नहीं है। हमने चुराया तो हमें मिलेगा। हाँ। मौसी पक्का आप दोनों ले लो। मम्मी नमस्ते, मामा नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया लग रही हूँ? नहीं लग रही। बहुत सुंदर। बढ़िया नहीं, बहुत सुंदर। बहुत लेट हो गए? जा। बहुत ज्यादा ही लेट हो गए। छोटा बच्चा ना दादाजी को सबसे गणिया ये बोल रहे की आपके महीने की कितनी सैलरी है, ये अपने कितना कमा लेते हो और कितना बैंक बैलेंस है, ये सब बातें मुझे बताओ तो मैं आपके वाह वाह पे आना स्वीकार करती हूँ। बात तो है कमाती पशु के लिए हम सबसे गणिया ये बोल रहे हैं कि पहले तो कोई गाय खरीद तो था भैंस के लिए तो वो सब तो गया, अब कौन सी जगह मकान लेना है, कहाँ घूमने जाना है, कहाँ मिलने जाना है, ये सब मुझे लेकर सलाह करें तो मैं आपके वहाँ वहाँ पर आपको स्वीकार करती हूँ। वस्त्रादी संक्रमण एवं पालन का कूड़िया अपने भारत वर्ष में छह ऋतु होते हैं जिनमें से चार मास हैं गर्मी सर्दी वर्षा और बसंत ऋतु। जैसे ऋतु आए जैसा मौसम आए उसी हिसाब से मैंने आप ध्यान रखे तो मैं आपके वार ग्राम में आना स्वीकार करती हूँ। सातवा वचन है सती सुमम हासम प्रमुख पाठन न बधे ये बोल रहे हैं कि मैं सती शैली में बैठी रहूँ या घर परिवार में के साथ में बैठी रहूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए सबके सामने मत डांटना, अगर सबके सामने डांटोगे तो सुबह का नाश्ता माना चाहे सब तो बेकार हो जाएगा, अगर कोई भी इनसे गलती हो जाए तो पहले इनको आपने ऐसी गलती की है आगे से नहीं होना चाहिए तो परिवार चलता रहेगा बढ़िया। इनकी भी कुछ मान सम्मान है, सबके सामने डांटोगे तो उनको बुरा लगेगा, ठीक है ना? ठीक है जी। कभी भी स्त्री को किसी भी ऐसे व्यक्ति के सामने नहीं जाना चाहिए जो मध्य में हो अर्थात नशे में। नशा तीन प्रकार का है, एक नशा जवानी का नशा होता है, दूसरा धन का नशा होता है, दौलत का नशा होता है, तीसरा व्यक्ति का नशा नशा होता है जिसको पी के लुढ़क जाते हैं लोग पता भी नहीं होता। इन तीनों प्रकार के नशे वाले व्यक्ति के सामने स्त्री को कभी नहीं जाना चाहिए। अगर कोई परिस्थिति आ जाए कि आपको ऐसा समय सामने आ रहा है, कोई व्यक्ति आप जा रहे हैं सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है कैसे करें, सीधे नजर ना बचाओ मिला करके सीधे साइड से निकल जाओ, आपको कोई पिता ग्रह गमने न च, आज तक पिता का घर आपका घर था परंतु आज के बाद आप पिता के घर में मेहमान हो जाएंगे तो वहाँ पे बिना बुलाए कभी भी कदम नहीं रखेंगे, जब तक और ना आए भाई का मम्मी का तो आप बिना अपने घर की आज्ञा के गणेश जी और माता पिता की आज्ञा से आप जाएंगे परंतु इनके बुलाने पर। अब इसमें विषय एक और आता है कि अगर स्त्री अपने पिता की देहड़ी पे साल में एक बार ना जाए तो उसे एक गौ हत्या का दोष लगता है, उसका क्या निवारण है? उसका निवारण ये है कि भाई दूज का टीका और राखी ये दो अवसर ऐसे हैं जिस पर बिना बुलाए इसका फोन आए या ना आए, मम्मी का फोन आए या ना आए, घर में किसी की आज्ञा मिली या नहीं मिली उनकी तरफ से आज्ञा है, ये दो अवसर ऐसे हैं जिस पर आप बिना बुलाए भी उनके घर जा सकते हैं परंतु अन्य किसी अवसर पर बिना बुलाए नहीं जाना, चाहे कितना ही बड़ा यज्ञ करे परंतु जब तक बुलावा ना आए आप नहीं जाएंगे।
टच करो। गुल के लिए गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। शिक्षा पढ़ने से पहले आप सबको मेरा नमस्ते। बात ध्यान से सुनना मेरी, इतना सा मेरा कहना है। माथे पर दाग लगाना देना हम ससुराल का कहना है। मायका है एक सुंदर सपना, इसको जल्दी भुला देना। ससुराल को है जीवन की नैया, उसको बाग लगा लेना। मत देख है इधर तू मुड़कर, ये घर अपने लिए बनाया है। देख सामने पिया तेरे, तुझको लेने सगी संबंधियों के संग आया है। सास ससुर माँ बाप है तेरे, तू अब अपने घर की बेटी है। उन पर खरी उतरना फैला, समाज में रचितों का सौटी है। उनकी कड़वी बोली को तुम अमृत समझ कर पी लेना। हर तरह के दिन आएंगे, हंस हंस कर पक्की लेना। अगर हो गई है तो डीजे के पास कॉन्टैक्ट करें। जूते भी लाएंगे, दे देना उसके नीचे रखे हुए हैं टेबल के, तू खेल ले। हमारे जूते यहाँ हैं, यहाँ वहाँ शॉपिंग नहीं देखने का है। गाइस इधर चल रहा है खाने का काम एंड इसके बाद होगी विदाई है ना, इसी के बाद होगी ना लड़की पराई होगी। अब पराई हो चुकी है मैम, फेरे वेरे सब कुछ हो चुके हैं, अब वो बस जा रही है। सो गाइस हम लड़की वाले ऐसे खाना खा रहे हैं। आज कौन सुना रहा था, चाची जी सुना रही थी, पता नहीं कौन सुना रहा था, मेरी मौसी। क्या मेरे सबसे बड़े मामा जो है ना, उनके छह लड़कियां, मतलब
शॉर्ट्स में जाते थे खट्टे पुराने में, जब उन्होंने लड़कियां भी आई पुराने टाइम में तो लोग ऐसे ही जाते थे। क्यों होता है यार ऐसा लड़की वालों के साथ? वैसे अब भी होगा, पर वैसे हम भी लड़के वाले तो हमें भी ये चीजें नहीं करनी चाहिए। हम नहीं करने वाले। पक्का? फुल इज्जत देंगे बराबर। राखी जी आपका भी बेटा है। ओके, हम बेचारे गरीब लड़के वाले खुद अपना खाना लेके आ रहे हैं, अपनी आइसक्रीम भी खुद ला रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख है, मुझे इस बात का बहुत दुख है, अंदर तक दुख है, अंदर तक। तुझे यार अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। बयाने आयो तुझको सुखी संसार मिले, मैं के की कभी ना याद आए। जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, तेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
Thank you.